साड़ी पहन के चढ़ रही है, गिरी कितना सुन जाएगा। एकदम घटिया, तुम चुप रहो। हम लोग का बैकग्राउंड है शूट कर छोटा था ना रस, तो हम लोग रस पापा बोलते क्योंकि छोटे छोटे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है 13 जनवरी, मतलब 13 जनवरी है आज, और कल है मकर संक्रांति। तो हम बांधे हुए दो छोटी, रात को सोने से पहले राधा लोग बांधती थी, बोली थी देखते तुम्हारा कैसे लगती है, तो वही बांधती थी पुतनी, बोली कि हम देखेंगे तुम कैसी लग रही है दो छोटी, क्योंकि स्कूल बांध के पहले जाते थे इसीलिए। तो आज है 13 तारीख और कल है मकर संक्रांति, तो कल गुड्डी उड़ाने का दिन है, तो कल गुड्डी उड़ाएंगे, लेकिन फिलहाल आज जो काम है उसको कंप्लीट कर ले। और आज हमको बनाना है वीडियोज़ भी, तो मौसम बाहर का बहुत ही ख़राब है, कल रात को बारिश हुआ है और धूप एकदम एक ज़रा भी नहीं है। अभी फ़िलहाल पूरा बेड वेड बिखार के रखे हैं, इधर भी अब जस्ट होके उठे हैं। और एक और चीज़ कि आज मेरे मामा आए हुए हैं, क्योंकि मम्मी का जब से शादी हुआ है तो लगभग हम लोग को धनबाद में 21 साल हो गया है, यहाँ पर धनबाद में आए, तब से मेरी नानी दही चूड़ा के दिन दही और चूड़ा हमेशा भिजवाती है, रिकॉर्ड है एकदम, एक भी दिन मतलब एक भी साल गैप नहीं हुआ। बस पिछले साल नहीं आया था वो, क्यों, क्योंकि मम्मी लोग सब वहीं पे थी, सिर्फ हम पापा और आकाश यहाँ पे थे, बाकी राधा सिद्धि सब वहीं पे थी। तो पिछले साल मम्मी मना कर दी कि हम लोग कोई खाते, पापा को खाना था, डॉक्टर मना किया था, आकाश दही खाता नहीं है, वो दूध खाता है, तो दही सिर्फ अकेले, हम तो क्या वहाँ से आता है इसीलिए। तो इस साल आया है, तो हम अभी दिखाएंगे कि नानी क्या क्या भेजी है, उससे पहले थोड़ा सा जो काम है वो सब समेट ले इधर इधर। आज चल रहा है साफ़ सफाई पूरा एकदम खतरनाक वाला, वो अलमारी ऊपर वाला अलमारी कल हम सारा कुछ अपना साफ कर लिए थे, जितना भी इयरिंग्स वगैरह थे डब्बा में भर के रख दिए। उधर मेरा लाइट है, स्टैंड मत तोड़ना, स्टैंड सही से रखना। बाकी ये वाला जो रैक है, ये लोग का कॉपी किताब रहता है, पूरा बाजार लगा के रखिए, तभी ये लोग साइड कर रही है, ड्राइंग का बुक है। और हम इधर वाला साफ़ करते हैं, फिर बहुत सारा काम है, नीचे भी पूरा कचरा झाड़ू लगाना होगा, पूरा घर का बाड़ा बना के रखी हुई, यहाँ वो वहाँ वो, आज सारा कुछ साफ करेगी एकदम। मम्मी बना रही है खाना और हमको धोना है बर्तन, सब्जी बन रहा है शायद आलू गोभी का, और हमको धोना है ढेर सारा बर्तन। हो गया हम लोग का रूम एकदम चकाचक, ये बेड वो बेड, और इधर अलमारी भी सारा साफ कर दी वो, अब देखने में थोड़ा ढंग का लग रहा है, पहले कबाड़ खाना लग रहा था। खिड़की पे भी बहुत सारा कुछ कुछ रखी हुई, सब हटा दिए, बाहर धूप नहीं किया है, अब हमको होना है फ्रेश, चले नहाने फटाक से। नानी के यहाँ से क्या क्या आया है, ये है वाइट वाला भुर्रा जो हम लोग खाते हैं, ये पता नहीं वो प्लेट टाइप का जो नहीं रहता है वो है, इसमें तिलकुट है दिख रहा है, और ये है तिल, मेन तो तिल ही होता है कल के दिन, इस बेचारा थोड़ा गल टाइप का गया है, हमको ये बहुत पसंद है तिल। ये तो कुछ एप्पल्स था, बाकी लोग खा गई सुबह सुबह। इसमें है दही, हम आप लोगों को दही दिखाएंगे, खाते खुल के, वो नहीं खुल रहा है, बहुत टाइट है, दही एकदम घर का जमाया हुआ है। इसमें है चूड़ा और ये वाला भूरा है, ब्राउन वाला, ये ब्राउन भूरा है, और ये हमको दही के साथ भूरा अच्छा लगता है। और आया था ये, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, रस वाला जो बिस्किट आता ना रस, तो हम लोग उसको रस पापा बोलते हैं क्योंकि छोटे छोटे हैं इसीलिए। और उसके बाद नानी भेजी है साग, पोए, और क्या ये तो पोए नहीं लग रहा है, हाँ पोए भी है इस साइड, क्या पोए का साग होता है कुछ, नानी लगाई हुई है तो भेजी है बना के खाना। जा रहे एक आंटी के यहाँ क्योंकि उनसे लेना है हमको एक साड़ी वीडियोस बनाने के लिए, उनके पास एक प्लेन साड़ी था, तो बोले कि खुशी चाहिए होगा तो आके ले जाना, तो हल्का है एकदम, क्योंकि हल्का साड़ी वीडियो बनाने में बहुत आसानी होता है रील्स वगैरह, तो वहीं जा रहे हैं। और उनसे पहले जो ग्रीन कलर का साड़ी लाया था वो भी देने जा रहे हैं, झोला में लिए हुए, अब जाके हुआ थोड़ा धूप, पर हम फ्रेश व्रेश होकर निकले, लेकिन ठंडा लगा था तो कान में टोपी भी लगा ही लिए, धूप आ गई है। इधर बन रहा था रोड, इसलिए पूरा कचरा हो रखा है, ये वाला रास्ता कल 2 दिन तक पूरा ब्लॉक था, लेकिन फिर अभी बना दिया, अच्छा हुआ बना दिया, पूरा रोड एकदम ख़राब था। ले ली हम साड़ी, गुपचुप को देख के मेरे को गुपचुप खाने का मन कर रहा है, पर सर्दी है खांसी है दोनों, तो खट्टा खाएंगे तो, और बेकार यहाँ पे एक लाइन से बस गुपचुप ही लगाता है ना। देख दीदी अभी यहाँ तैयार हो रही है, दिखाओ दीदी ज़रा अपना फेस, हम फेस के हम लाइनर लगा रहे हैं, तो हमको दीदी का साड़ी अच्छा लग रहा है। आंटी के यहाँ से लेके आए, कौन आंटी, सीमा आंटी, सीमा आंटी के यहाँ से लेके आई है, फेंको 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 दम लगा के हईसा कहाँ गया, ये रहा, हा 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 दम लगा के हईसा मामी बात ना जाई था अब जाके चला गया, आ जाओ आ जाओ आओ आओ साड़ी पहन के चढ़ रही है, गिरी कितना सुन जाएगा।
सैंडल पकड़ो। सैंडल मेरा है, चलो लाओ सीढ़ी को पकड़ लेते हैं, क्या करे गिर ना जाओ कहीं। लो ना गिरो, लो लो लो, अरे हिलबो नहीं करते, इतना भारी मटक दी। एक यहाँ तक चली। सीढ़ी और है, चढ़ गई उस दिन सड़िए पनले पनले। ऑल द बेस्ट। हो गए हम लोग रेडी, हम लोग नहीं, हम रेडी हो गए हैं, चलो चुपरा। और ये हम लोग का सीन, धूप है कुछ ज़्यादा ही। कैसे लग रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर बताइएगा मम्मी। एकदम घटिया। तुम चुपरा। ये हम लोग का बैकग्राउंड है, शूट करेंगे राधा मैडम अभी शूट करेगी मेरा वीडियो। और हम लोग छत्ता पे क्या लेके चढ़े दिखाते हैं। पानी का बॉटल सबसे पहली बात, लिपस्टिक जरूरी है, और फेस पाउडर। वीडियो बनाते बनाते पसीना आ जाता है, साथ साथ कंघी बाल खराब हो जाता है, इसीलिए छत्ता से देख रहे हैं। पापा गए थे मार्केट शॉपिंग, मामा आए थे तो कुछ कुछ लेना था मामा को, तो ये हम नीचे तो जा नहीं सकते इसलिए हम ऊपर से ही देख रहे हैं क्या क्या आया है। जींस दिख रहा है मेरे को, शर्ट दिख रहा है, ब्लैक जींस है किसी का, मामा अपने लिए भी है। क्या चीज़ जींस पापा ले लेते, राधा लोग के लिए अच्छा लगता। सो गाइस फाइनली आ गए हम नीचे, और ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया, मेरे ये गर्दन बहुत ज़्यादा ही दुख रहा था, हम सुबह ही बोले थे, और हम डांस वांस कर रहे थे, थोड़ा झटका उठ के दिए, बस ये और भी ज़्यादा इसमें दर्द हो गया, ये फूल सा गया गला, जिसके वजह से हम उतर के भागे। और जल्दी जल्दी मुँह हाथ धोए और लाइनर वगैरह छुड़ाए। मेकअप हम ज़्यादा कुछ नहीं करते, बस लाइनर लगाते, लिपस्टिक लगाते, बाकी फिल्टर का कमाल है, बाकी फिल्टर से चमक चमक ही जाता है। और ये बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, हमको लग रहा है कि उसका दवा वगैरह हमको लेना पड़ेगा। बहुत दुख रहा है एकदम हद से ज़्यादा, जिसको बोलते हैं वो। वीडियो भी शूट नहीं किए, भागे जल्दी जल्दी उतर के। तो अभी जा रहे खाना खाएंगे, क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं खाया हम। पता नहीं आंटी के यहाँ गए थे तो बस चाय पिए थे, उसके बाद फिर कुछ भी नहीं खाए सुबह से उठे तो। नानी भिजवाई थी बिस्किट वो वाला, तो वही थोड़ा सा खाए थे, बस यही खाया अभी तक है। और अभी टाइम 3:30-4 बजने जा रहे, मम्मी पता नहीं क्या बनाइए, खाना देखते हैं। सो गाइस फाइनली रात हो गया, और मामा का भी अभी ट्रेन है, मामा भी जाएंगे, तैयार व्यार हो गया, निकलेंगे। और मैं तबीयत हो गया, बिगड़ गया, पता नहीं कल कैसा रहता है, बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ में मेरा दर्द हो गया है, और कुछ बोलने लायक नहीं है। कल पेन किलर लेना होगा, अभी तो दवा नहीं है मेरे पास, देखते हैं क्या होता है। कभी भी मेरा तबीयत पता नहीं क्यों ठीक रहता ही नहीं है, आधा दिन बीमार रहते हैं, कुछ बोलना ही नहीं है। तो चलिए, आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कल है मकर संक्रांति, कल का ब्लॉग तो आएगा अगर हम ठीक ठाक रहे तो, नहीं भी ठीक रहेंगे तो ब्लॉग तो पक्का बनाएंगे, पतंग उड़ाना जो है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।